When I refused to die, my chained world loosened. I came out into the vast meadows, smiling at the leaves of grass. My smile caused intolerance in them. I was shackled again. When I defied death again, tired of my life, my captors released me. I walked out into the lush green valleys under the rising sun, smiling at the tossing blades of grass. Infuriated by my underlying smile, they captured me again. I still stubbornly refuse to die. The sad thing is that they don't know how to kill me because I love so much the sounds of growing grass. It is a very sad honor for me to be paying this tribute to someone जिनको मैं एक तरह से एक अपने अपने लिए पर्सनली और एक समाज के लिए हमारे समाज के लिए एक मॉरल बीकन के फॉर्म में देखने लगी थी. शुरुआत में मैं उनको एक कॉलीग की तरह जानती थी. जब वो कॉलीग नहीं भी थे, टीचर नहीं थे, तो एक बार मुझसे मिलने आए थे. मैं टीचर्स मूवमेंट से जुड़ी रही हूँ, तो मैंने कभी इस कदर की इस लेवल की डिसेबिलिटी से मेरा इस तरह से सामना नहीं हुआ था. जब वो मेरे घर में आए तो बिल्कुल ज़मीन पे मतलब रेंगते हुए ऑलमोस्ट आए, हाथों में चप्पल पहने थे. उस टाइम पे उनके पास व्हीलचेयर नहीं था, तो मैं शॉक थी बिल्कुल. और फिर मैंने उनसे बात की और मुझे मतलब बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व तब भी लगा. और मुझे मेरे और भी साथी जो सीनियर प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा था ये बहुत ही ब्राइट यंग एक्टिविस्ट यंग स्कॉलर हैं और हम उम्मीद करते हैं इनको कहीं जॉब जल्दी मिलेगी. उनको मिल गई फिर जॉब, रामलाल आनंद कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब मिली थी. उसके बाद मैंने इनको कई जगह, कोई भी प्लेटफॉर्म हो एंड इंक्लूडिंग डिसेबल्ड राइट्स, अभी जो मैंने सुना था कि वो डिसेबल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नहीं थे, वो डिसेबल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी थे. यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये इशू भी टेकअप किया था, ओबीसी रिजर्वेशन का इशू टेकअप किया था. गिलानी के मामले में जब हम, वो तो खैर 2003 में डॉक्टर साई बाबा की अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन हर ह्यूमन राइट्स इशू में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई. कई बार मैं उनसे इत्तेफाक नहीं भी रखती थी, कभी इलेक्शन को बॉयकॉट करना चाहिए ऐसे मसलों पे, लेकिन इतनी सिंसेरिटी मुझे लगी और इतनी मतलब कि क्लियर क्लैरिटी उनके माइंड में, कंप्लीट क्लैरिटी थी और कभी भी कोई हेजिटेशन नहीं था. बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन तरीके से, हम लोग तो कई बार बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं, हम लोग जोश में आ जाते हैं. आई नेवर फाउंड हिम रेजिंग हिज वॉइस. सॉफ्ट स्पोकन तरीके से, रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्होंने बहुत ही क्लियरली अपनी बात रखी, हमेशा एम्फैटिकली रखी, लेकिन कभी अग्रेसिवली नहीं रखी. तो मैं हमेशा उनसे, उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस्ड रहती थी. और बहुत ज़्यादा हम लोगों को शौक लगा जब पहली बार इनके घर में रेड हुआ. मैं जानती थी इनको एज एन आउटस्टैंडिंग टीचर, स्टूडेंट्स जिन पे मरते थे, और ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे. दूर से वहाँ साउथ कैंपस से एक स्टूडेंट की एमए क्लास के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस आते थे विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स. और बाद में जब पीएचडी कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी ने इनको एक जगह दी थी वार्डन के हॉस्टल में, रूम फ्लैट वहाँ पे दिया था इनको कि वहाँ रह के आसानी से अपनी पीएचडी सुपरवाइजर के साथ कर सकें. तो हमेशा आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलरली एबिलिटी. एकदम से हमें पता चला कि इनके घर में रेड हुआ, तब मैं शायद डूटा प्रेसिडेंट बन गई थी या बनने वाली थी, आई डोंट नो, जस्ट बिफोर 2013 आई थिंक आई हैड जस्ट गॉट इलेक्टेड. हमारी टीम भी तब तक नहीं बनी थी. तो मुझे हमारे फ्रेंड्स ने बताया कि हाँ रेड हो रहा है, तो आई ऑल्सो वेंट, अबाउट 60 टीचर्स वर देयर. और हम शॉक थे कि वहाँ पे कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ सील नहीं की लेगा, सब लैपटॉप वगैरह, उनकी ज़िंदगी भर की रिसर्च एक वन इनसेंसिटिव एक्शन में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, कभी भी उनको वो वापस नहीं मिल पाया. आई मेट प्रोफेसर जी एन साई बाबा सम टाइम अराउंड आई बिलीव 2007-08 व्हेन ही केम टू माय हाउस इन द यूनिवर्सिटी कैंपस वेयर आई यूज्ड टू लिव दोज डेज. एंड दिस फ्लैट
was otherwise very much accessible on the ground floor itself. It had only one step to get inside. And by this time, Professor Sai Baba had also acquired the privilege, I would say, of a wheelchair. But when he came to my house, I immediately realized how much inaccessible it is. Because even for that one step, we had to literally lift the wheelchair. And I also remember that when what President Nandita said, this issue came that he was actually finding nobody in the neighborhood of the college who is even allowing him to get little alterations done, say a ramp made in a house that he would like to acquire on rent. And he went to the extent of saying, that's what he told me, that I will spend the money on alteration from my own pocket, but I want an accessible house, which was not becoming available. So then he wrote to the University of Delhi. And I remember those days, the equal opportunity cell of the Delhi University was a newly founded, very vibrant body. And Professor Agnihotri was a chairperson. When this issue came, so we discussed and because I had already spoken with Sai, so I told the problem. And then Professor Pintle agreed to give him the accommodation, which is the thing, otherwise new. A lot of people with all kinds of temporary problems keep getting it. But very few people remember what had happened subsequently. Even before the raids, Nandita would recall, before the raids, the Delhi University decided to get the house vacated from Professor G.N. Sai Baba. The university started shooting repeated notices for rent recovery, etc., etc. And then he thought of taking the help of the Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, a friend who is also no more now. Okay? But no help came from the Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities. Partly because, unfortunately, till date, and I'm making this as an issue, the Chief Commissioner of Persons with Disabilities, even though has quasi-judicial powers, is not autonomous of the government of India. So it is almost bound to cow down before the government. And in this case, there was added reason to cow down. Sai Baba ki zindagi aur unki maut kuch batati hai hum logon ko, kuch sikhati hai, kuch gussa karati hai, aur shayad aag babula bhi karati hai. Wo hai ke unki zindagi, unki jail aur unki maut ने हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान, जो न्याय प्रणाली और उनके अंतर्गत जो संस्थाएं बनाई हैं, वो जैसे विकास ने थोड़ा जिक्र किया था, उनका खोखलापन, उनकी कमजोरी, उनकी विकलांगता, जो जिसने उनको स्थिर कर दिया है, पैरालाइज कर दिया है, वो ज़्यादा दिखाती है एक एक करके. अगर सिर्फ उल्टा शुरू किया जाए, जुडिशरी से शुरू किया जाए, तो साईं बाबा की तरह स्टेट का प्रिजनर एक तरीके से फादर स्टैन स्वामी थे. और ये इत्तेफाक है कि वो मेरे दोस्त थे और मित्र. एक और दो तीन जगह इकट्ठा हम लोग कुछ हद तक काम करते थे. उनके जो रिपीटेड बेल एप्लीकेशंस होती थी मेडिकल बेल की, जिस स्पेशल जज के पास जाती थी जो युवापा के लिए बनाया गया था उस जेल में, और उसकी जो जजमेंट्स होती थी, मैंने एक के बाद एक जितनी बार उनकी बेल एप्लीकेशन ली और उनकी जजमेंट्स आई, पढ़ी मैंने. जैसे नंदिता ने और विकास ने दोनों ने जिक्र किया है, ऐसा लगता था कि जुडिशरी के पास भी
सख्त ऑर्डर्स हैं किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके का सिग्नल देना है। जज बहुत होते हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में कई जज देखे हैं, पत्रकार की तरीके से और उनके सामने पेशी में भी। कई बार ये जजमेंट सख्त होता है, जुबान ठीक होती है, एक समझदारी दिखाई जाती है कि आप जो कर रहे हैं उसके कारण हम समझते हैं, मगर वो सारा गैर कानूनी है, समझ में आता है। अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे, प्यार से ना लिखे मगर सहानुभूति से लिखे, सभ्यता से लिखे, मानवता से लिखे, तब भी समझ में आता है। वहाँ पे दो जज ऐसे थे, उनकी बात अगर आप पढ़े अंग्रेजी में तो जो भी आप जूती या चप्पल या आपके पास वॉकिंग स्टिक है उठा के उनके सर पे 5 मारेंगे आप। बदतमीजी से भाषा में एक कुंकारता है। एक 84 साल का आदमी और ये एक 50 साल का आदमी, 55 साल का, उनके प्रति आपके मन में कितना धिक्कार है, कितना वहम है, कितना शक है, कितना गुस्सा है। दो ही बार मुलाकात हुई साई बाबा से। पहली बार इसी जगह जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम साथ में एड्रेस कर रहे थे, नंदिता भी थी साथ में और भी कई साथी थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार मुलाकात हुई थी साई से। दूसरी बार उनके घर गए थे हम, श्रुतिका पीछे बैठी है, करवे की बैठी है, हम लोग गए थे और कुछ बातें करने की। उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। एक तो उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, जिंदगी भर वो किस तरह स्ट्रगल करते रहे उसके बारे में सब चीज़ें पता चलती है। ये तमाम चीज़ें मैं जाना नहीं चाहूँगा, परंतु ये है कि भाई सबसे पहले एक राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच NPRD एक विकलांगों की अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक संगठन है। उस संगठन के तहत जो है हमने मुद्दे उठाए थे, उनके एक्सेस के मुद्दे उठाए थे, बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। विकास ने जैसे कहा कि डिसेबिलिटी मूवमेंट में ये दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है कि विकलांगता के आंदोलन में बहुत सारे संगठन है, सैकड़ों संगठन है, पर साई बाबा के मुद्दे को लेकर, उनकी रिलीज के मुद्दे को लेकर, उनकी फॉल्स जिस केसेस में उनको फंसाया गया था, इन तमाम मुद्दों को लेकर और प्रिजन में एक्सेस के मुद्दे को लेकर बहुत कम ही संगठन थे जो इसके बारे में बोले। अग्रणी थे हम, मुझे उसमें गर्व नहीं है, बल्कि दुख होता है कि बाकी संगठनों ने इस चीज़ को उठाया नहीं। इसीलिए बात का मुद्दा बन जाता है। इसीलिए जब साई के पत्नी वसंता जब हम मिले थे हैदराबाद में, गया था उनकी अंतिम यात्रा में, जब लास्ट रेस्पेक्ट पे करने गया था, हम बचा नहीं पाए। उनका शब्द ये था कि हम बचा नहीं पाए। हकीकत ये है, ये हमारी कमजोरी है, सबसे पहले विकलांग आंदोलन की कमजोरी रही है कि हम उनको बचा नहीं पाए। और बाकी डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात और है, कई लोग सड़ रहे जेल में अभी भी, उमर खालिद की जिक्र की और भी साथियों की जिक्र की नंदिता ने, इन तमाम लोगों जो है, तमाम लोगों के ऊपर कई कई मुकदमे जो है फॉल्स केसेस थोप के बिठाया गया। इस सरकार के खिलाफ बोलने वाले जितने भी आवाज़ें हैं उन सबको दबाने की कोशिश जोर शोर से चल रही है। उसी के तहत जो है इन साई बाबा का भी, हम उसको भी देखना चाहिए। जैसे शुरुआत में फिल्म में जो वीडियो दिखाया गया था, उसमें आपको याद होगा जो साथी थे उस टाइम पे, क्या नाम उसका, अमिता डांडा जो प्रोफेसर है दालसर यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने भी कई मुलाकात नहीं की थी साई बाबा से, अमिता ने भी कहा था कि साई बाबा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, डिसेबल थे मगर दूसरों के लिए लड़ते थे, डिसेबल थे मगर दूसरों के लिए लड़ते थे। ये चीज़ें हैं जो है जो देखने की बात है कि भाई डिस्पाइट डिसेबिलिटी अपनी खुद की परवाह ना करते हुए छत्तीसगढ़ की आदिवासियों के लड़ना, ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ लड़ना,